हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नाइन पढ़ेंगे, डेसिमल्स। तो देखो, डेसिमल्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डिजिट, जैसे कोई भी डिजिट हमने लिखी से 2, 5, 3, 4, ठीक है, आपको कोई भी होल नंबर मिले और अगर उसमें अगर आपको कहीं पर भी डॉट दिखता है या कहीं पर भी पॉइंट दिखे, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब चाहे अपने पास कुछ भी डिजिट हो और पॉइंट आपको कहीं पर भी लग रहा हो, तो उस डिजिट को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल। जैसे हम एक और लिखते हैं, हमने लिखा 4, 5, 2, और अगर हमारा यहाँ पर आपको डॉट कहीं पर भी दिख जाता है, यानी किसी भी नंबर पे अगर आपको कहीं पर भी किसी भी अगर आपको डिजिट लिखी हुई है और वहाँ पर अगर आपको कहीं भी पॉइंट दिख जाए, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें डेसिमल की, तो क्या हो जाएगी कि अपन लिखते हैं डेसिमल्स, हम क्या लिखेंगे, नंबर्स रिटर्न Using a decimal point are called decimal। ठीक है, देखिए अब हमने क्या करा, अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, डेसिमल पॉइंट। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कोई भी नंबर है अगर उसमें डॉट दिख जाए आपको या पॉइंट दिख जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। तो ये पॉइंट ही हमारा क्या कहलाता है, डेसिमल पॉइंट कहलाता है। जैसे अगर हमने लिखा, मानो हमने लिखा 4, 5.32, हमने इस तरीके से लिखा, तो यहाँ इस नंबर के अंदर आपको डॉट दिख गया है, तो ये जो डॉट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। तो अब इस डॉट की जगह हम इसे क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। अब देखिए, डेसिमल्स जो होते हैं उन्हें हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, 3 टाइप से लिख सकते हैं। अब जैसे देखो, जैसे अगर कोई भी डेसिमल नंबर लिखा हमने, जैसे हमने लिखा 4.321, अब हमने ये नंबर लिखा ना, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। अब देखो, जैसे हमने लिखा ना 4, तो 4 जो पार्ट है यानी पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के आगे वाले जितने भी नंबर हो, जैसे अभी एक ही है, अगर मानो यहाँ पर 14 होता, तो 1 और 4, 14 हो गया ना, तो 14 अपना ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अ होल नंबर। क्या कहलाएगा, अ होल नंबर, ठीक है। यानी पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट होंगी आपके, वो सब क्या कहलाती है, हमारे होल नंबर। इसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को आप बोलोगे डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसके बाद वाला पार्ट, अब हमारे क्या आया, ये पार्ट आया 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट। अब देखो, ये सारे हैं ना पीछे के, ये जितने भी हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अ डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, अ डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, फर्स्ट इज अ होल नंबर, सेकंड इज अ डेसिमल पॉइंट एंड द डेसिमल पार्ट। जो थर्ड वाला होगा वो अपना क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट कहलाएगा। तो जब आप कभी भी लिखोगे, तो ये आपको कोई भी डिजिट है डेसिमल, अगर आप देखते हो तो उसमें आपको उसके 3 पार्ट मिलेंगे। अगर आपसे पूछते होल नंबर बताइए डेसिमल में, तो आप पॉइंट के आगे वाली डिजिट को लिख दोगे। अगर बोलेंगे कि आपको शो करना है डेसिमल पॉइंट क्या है, तो आप इस डॉट को शो करोगे। अगर आपको डेसिमल पार्ट्स पूछता है, तो डेसिमल पार्ट क्या हो जाएंगे, पॉइंट के बाकी की डिजिट, पीछे वाली डिजिट हमारे क्या कहलाते हैं, डेसिमल पार्ट कहलाते हैं। देखो नेक्स्ट है अपना डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। तो डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर क्या होता है हमारा, कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन ऐसा दिया हो जिसके अंदर डिनोमिनेटर क्या हो अपना, 10 की फॉर्म में, 100 की फॉर्म में, 1000 की फॉर्म में, 10,000 की फॉर्म में, इस तरीके से दिए हुए हो, क्या डिनोमिनेटर। तो अगर आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप से दिए हुए हों, तो इस टाइप का जो भी फ्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हम लिखते हैं कि हमने लिखा है 3/10, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लिखें 41/100, तो ये भी कितना है अपना, अब 100 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लिखें 3/1000, हम लिखें 5/7/10,000, तो इस तरीके से जितने भी नंबर हों, जितने भी फ्रैक्शन हों, अगर उसमें डिनोमिनेटर 10,000, 100, 10,000 इस फॉर्म में हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी नीचे क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल, ठीक है। जैसे 10
हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स, ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन अपना क्या कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जो मैंने बताया इसे आपको। अब देखो डेसिमल फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जैसे मैंने क्या लिखा, थ्री बाय टेन। तो अब देखो इसे डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट के आगे पॉइंट लग जाता है। तो देखो अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, वन जीरो है ना, तो वन जीरो है तो सबसे पहले हम डिजिट लिख देंगे ऊपर की। अब डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, वन जीरो है, तो वन डिजिट के आगे हमारे पॉइंट लग जाता है, तो कितना हो गया, पॉइंट थ्री, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं 0.3। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और ये क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल नंबर, इसे अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर, ठीक है। इसी तरह से अब इसकी बात करते हैं, जैसे अपन ने क्या लिया, 41/100। अब ये क्या है अपना फ्रैक्शन, ये अपना ये डेसिमल फ्रैक्शन है। अब डेसिमल फ्रैक्शन को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, कि अब देखो 41 तो पहले 41 लिख देंगे। अब इसके बाद नीचे कितने जीरोस हैं, टू जीरो है ना, नीचे 100 है ना, तो 1 2, टू जीरो हैं तो 1 2, पीछे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 और उसके आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, 0.41। तो नीचे जितने जीरो होंगे उतनी ही डिजिट के आगे हमारे क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। इसी तरीके से अगर हम थ्री की बात करते हैं, 3/ कितना लिखा है, 1000, तो ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे। अब देखो नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो है ना, 1 2 3, तो 3 डिजिट के आगे क्या लगेगा, पॉइंट, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिजिट दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 एक काउंट हो जाएगा, फिर एक जीरो लगा देंगे, फिर एक जीरो और लगा देंगे, क्योंकि किसी भी डिजिट के आगे अगर हम जीरो लगा देते हैं तो उस डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है ना। जीरो अगर हम पीछे लगाएंगे तो डिजिट चेंज हो जाती है, लेकिन अगर जीरो आगे लग जाता है किसी डिजिट में तो डिजिट वही रहती है। तो अब हमारे नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो अब देखो काउंट करेंगे, 3 ये हुआ 1 2 3, और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, इसके आगे, तो कितना हो जाएगा, 0.003, और इसको आगे एक जीरो और लगा देंगे अपन, तो 0.003 अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेसिमल नंबर। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर। तो आपको समझ में आया होगा डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। अगर कोई भी डिजिट आपको किसकी फॉर्म में, जिसमें डिनोमिनेटर अपना 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, मतलब कितना भी आ जाए, नीचे 10 के मल्टीपल आ जाए अगर, तो इस टाइप का फ्रैक्शन क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर नीचे यही जो नीचे डिनोमिनेटर है ना 10 को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, क्या लग जाएगा, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के आगे पॉइंट लग जाता है। अगर एक जीरो है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, अगर दो जीरो है नीचे तो दो डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिजिट दे रखी थी, तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 0 लगा देंगे और फिर काउंट करेंगे, तो 1 2 3, उसके बाद क्या लगा देंगे अपन, पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर अपने शो होते हैं। अब है अपना डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस क्या होती है, द नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो देखो अब हमने जैसे कुछ भी नंबर लिख दिया, एक एग्जांपल अपन लेते हैं, हमने लिखा 1.527, हमने क्या लिखा, 1 पॉइंट, ये पॉइंट है अपना 527। तो अब देखो इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट के या क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब इस डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, 327 है ना, तो इसको हम अपन, ये कितने हैं यहाँ पर, कितनी है, 3 डेसिमल है ना, तो देखो डेसिमल ये पॉइंट है, इसके बाद 1 2 3 3 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे देखो 3 डेसिमल, क्या है ये हमारे, 3 डेसिमल, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद जितने डिजिट होती हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, डेसिमल प्लेस होते हैं। यानी पॉइंट के बाद आरएचएस में जितने भी नंबर होंगे आपके, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, डेसिमल प्लेस कहलाएंगे। तो जैसे हमने इसको लिखा, तो इसे अपन पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड आउट कैसे करोगे आप, जैसे 1.527 इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो जब भी आप डेसिमल डिजिट को अगर आप पढ़ना चाहें तो किस तरीके से
पढ़ते हैं, पॉइंट के आगे वाली डिजिट को एज इट इज़ पढ़ते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाली डिजिट को एक एक करके पढ़ते हैं। मतलब आप इसको पॉइंट के बाद ऐसे नहीं बोलोगे 527, कभी नहीं। आप इसे क्या बोलोगे, पॉइंट के बाद 527। तो इसको हम, इसको अगर हम रीड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको रीड आउट हम करेंगे 1.527 इस तरीके से। अब देखो एक और करते हैं, अगर आपको हम पूछें 2.227 लिखा है ना, 0.3241। अब देखो अगर आपको ये डेसिमल नंबर दे रखा है, अब आपको पूछते हैं इसके अंदर कि आपको बताएं डेसिमल प्लेस बताइए, तो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, डेसिमल प्लेस। तो कितने डेसिमल प्लेस हैं, देखो 1, 2, 3, 4 है ना, तो 4 अपने क्या हो जाएंगे, 4 हमारे हो जाएंगे डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब अगर इसे रीड आउट करना है तो इसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, देखो पॉइंट के आगे जो जितनी भी डिजिट है अपने पास वो होल नंबर होता है हमेशा, और उसे हम डायरेक्टली पढ़ते हैं। जैसे 27 नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे 27, यानी पॉइंट के आगे तो होल नंबर ही अपन काउंट करेंगे, होल नंबर ही पढ़ेंगे। तो इस डिजिट को कैसे रीड आउट करेंगे हम, 27.3241। ठीक है, यानी लास्ट वाली सारी डिजिट होती है ना, उनको एक एक करके काउंट करते हैं, एक एक करके रीड करते हैं, जबकि आगे वाली डिजिट को अपन पूरी होल नंबर की तरह काउंट करते हैं। जैसे ये कितना हो जाएगा 27.3241। इसी तरीके से अगर अपन बात कर रहे हैं, मैंने लिखा, अब देखो अब इसमें अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको बताओ डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेस की बात करते हैं, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 5 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। इसके बाद इसको रीड आउट करने की अगर बात आई, तो इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे कि 427.32145, इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और डेसिमल पॉइंट अगर, अब इसी हम रिवीजन करते हैं, अगर मैंने आपको कुछ भी दे दिया, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया 327.21, इसे अपन कैसे पढ़ेंगे, इसको अगर रीड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे, 327.21। अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि आपको बताना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, डेसिमल पॉइंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है डेसिमल पॉइंट क्या है तो आप बता दोगे, अगर आपको कोई पूछे कि होल नंबर क्या है तो आप क्या करोगे, डेसिमल के आगे के जितने भी नंबर हैं ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर। रिवीजन हो गया आपका, ठीक है, होल नंबर क्या, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड इधर की तरफ के जितने भी नंबर है इसके आगे के वो सब होल नंबर हो गए, इस पॉइंट को हमने बोल ही दिया डेसिमल पॉइंट। और अगर डेसिमल पार्ट पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे कि कितना है, 2121 है ना, 21 पॉइंट के बाद ऐसे ही रीड आउट करते अपन 2 और 1, तो ये 21 अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा डेसिमल पार्ट। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया कि अभी तक जो पढ़ाया अपन ने, तो डेसिमल प्लेसेस भी आपको याद रखने हैं कि पॉइंट के बाद के, देखो डेसिमल पार्ट बोल रहे हैं इन सब, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। और डेसिमल प्लेस क्या होते हैं कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं अपन, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डेसिमल प्लेस कहलाती है। देखिए इसके बाद एक आपको चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक तरफ तो आपको दे रखी है होल नंबर पार्ट, और एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं, डेसिमल पार्ट, यानी आपको कोई भी डिजिट है और बीच में क्या जाएगा पॉइंट, यानी आपको डिजिट किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है ना, बीच मिड में क्या होता है, कहीं पर भी एक पॉइंट लगा होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। इसके लेफ्ट हैंड साइड होल नंबर होते हैं, इसके RHS की तरफ क्या होते हैं, डेसिमल पार्ट होते हैं अपने, तो अपन ने डेसिमल पार्ट कर दिए। अब आपको रीड आउट कैसे करते हैं कि देखो पॉइंट के पहले वाली डिजिट जो होती है ना उसे अपन क्या बोलते हैं, वंस, फिर सेकेंड वाली को टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000, इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। उसी तरीके से पॉइंट के बाद वाली डिजिट को हम किस तरीके से रीड आउट करते हैं, टेंथ, यानी जो फर्स्ट वाली है, जैसे 0.1 है ना, तो ये वाला क्या कहलाएगा अपना, टेंथ। टेंथ को कैसे लिखते हैं, 1/10, फिर 0.01 है ना, तो पॉइंट के बाद सेकेंड प्लेस 2 प्लेस है ना, तो इसलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, 100th। तो 100th क्यों बोलेंगे, क्योंकि 1/100, यानी 100 का डिवीज़न हो रहा है,
तो देखो फर्स्ट पॉइंट के बाद वाली अगर एक डिजिट है तो 1/10 होगा, तब भी एक डिजिट का पॉइंट आएगा ना, इसलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, 10th, यानी 10 का डिवीजन हो रहा है, 100th यानी कि 100 का डिवीजन हो रहा है, तो 1/100। इसी तरह से थर्ड वाली अपनी क्या कहला जाएगी, 1000, यानी इसमें क्या हो रहा है, 1000 का डिवीजन हो रहा है। फिर उसके बाद आ जाएगी 10000, यानी कि अपना कितना डिवीज़न हो रहा है, 10000 का। उसी के बाद 100000, यानी कि उसमें किसका डिवीज़न हो रहा है, 100 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब जैसे 1/10 को अपन क्या बोलेंगे, नीचे अगर एक जीरो है तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट लग गया। अब देखो नीचे 2 जीरो है ना, तो 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम एक जीरो लगा देंगे, तो 1 2 और फिर क्या लग जाएगा, पॉइंट। इसी तरह अगर नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 3 जीरो हैं, तो 1 को काउंट करेंगे, फिर आगे कुछ नंबर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 0। तो नीचे कितने 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 और फिर क्या लग जाएगा, पॉइंट। उसी तरीके से जब हमारे पास 4 जीरो हैं तो हम क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 और फिर पॉइंट। इसी तरीके से ये 5 के लिए हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि पॉइंट के अगर हम RHS की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट वाले को 10th, फिर 100, फिर 1000, 10000 और 100000 बोलेंगे, और पॉइंट के आगे की तरफ अगर अपन LHS की तरफ चलते हैं तो इसे अपन क्या बोलेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10000 और 100000। यानी कि अब देखो 1, 10 यानी 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 में, 100 का हो जाएगा, और फिर 100 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 में 1000 का होगा, 10000 में 10000 का, 100000 में 100000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो अगर हम किसी भी डिजिट में लास्ट से चलते हैं तो अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10000 अपन को ये दे रखा है ना, ये कितना है अपन को, 0.00001 ये दे रखा है, तो अगर इसमें अपन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 से एक जीरो कट जाएगा, और फिर कितने जीरो बचेंगे नीचे, 1 2 3 4 जीरोज बचेंगे ना, तो देखो नीचे कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 जीरो आ गए। यानी अगर हम 100000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10000 मिलेंगे, और 10000 में जब हम 10 का डिवीज़न करेंगे तो हमको 1000 मिल जाएंगे, फिर 1000 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करते हो तो फिर 0 से 0 कैंसिल और हमें क्या मिल जाएगा, 100। 100 में अगर फिर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 10 का मल्टीप्लाई ऐसे करके कर रहे हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, 10 बच गया ना। तो 100 में जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अपन क्या बोलेंगे कि पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया, ये तो डेसिमल लग गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10 से 10 क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल, और 1 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 10 का, तो 10 आ जाएगा, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। इस तरह से 10 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारी डिजिट बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से ये कब है, जब हम पीछे से आगे की तरफ आते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमने डिजिट आगे से अगर हम काउंट करें और पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या है, अब यहाँ पर जैसे 100000 है, इसमें अगर मैं 1/10 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और फिर क्या बन जाएगा, 10000 बच जाएगा। इसी तरह से 10000 में हम 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलेगा। इसी तरीके से पूरी सीरीज है कि 1/10 का जब आप डिजिट में मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट डिजिट मिलती जाएगी, ठीक है। तो अगर हम नीचे से बात करें, यानी अगर हम आगे से स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम पीछे से स्टार्ट करें तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको याद रखना है कि पीछे से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, आगे से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1/10 का मल्टीप्लाई होता जाता है और हमको डिजिट मिलती जाती है। देखो अब जैसे ये नंबर है अपने पास, ठीक है, हमने क्या लिखा, 57.6279। अब अगर आप उसकी प्लेस वैल्यू देखनी है तो ये तो क्या हो जाएगा, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। डेसिमल के बाद फर्स्ट वाला अपना क्या कहलाता है, 10th, फिर सेकेंड वाला 1000, फिर 9th वाला सेकेंड वाला 100, और थर्ड वाला अपना क्या कहलाएगा, 1000। तो देखो डेसिमल क्या, 10, 100 और 1000 प्लेस, तो ये प्लेस वैल्यू हो गई अपनी इधर। इसी तरीके से पॉइंट डेसिमल पॉइंट के LHS की तरफ जो फर्स्ट वाला होगा ये अपना क्या कहलाएगा, 1, और 5 वाला क्या कहलाएगा, 10 कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होती है, प्लेस वैल्यू, डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो ये आपको समझ में आई होंगी कि प्लेस वैल्यू हमारी ये होती है, यानी कोई भी अगर आपको डिजिट दे दें और फिर आपको बताएं कि आपको बतानी है इसकी प्लेस वैल्यू, तो उसे हम इसी तरीके से बताएंगे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं,
इसमें आपको क्या दे रखा है, डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इन द डेसिमल नंबर। अब आपको ये डेसिमल नंबर दे दिया, अब आपको बतानी सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो देखो सिक्स कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 सिक्स यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू उसकी क्या है, सेकेंड डेसिमल प्लेस है, सेकेंड डेसिमल, देखो पॉइंट के बाद सेकेंड नंबर पर है ना, तो सेकेंड डेसिमल प्लेस हो जाएगा। द डिजिट सिक्स अपीयर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द सेकेंड डेसिमल प्लेस, तो हम क्या बोलेंगे, दस द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन कितना है, 1752.3609 इज 600, और क्या बोल देंगे हम इसे 6/100। तो देखो इसको समझ में आया आपके ये, कि इसमें आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको देखो जैसे ये नंबर दे रखा है ना, हमें कितना दे रखा है, 1752.3609। अब इसमें आपको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू आप कैसे बताओगे, अगर इसमें सिक्स की बात कर रहे हैं तो सिक्स यहाँ पर आ रहा है ना, तो पॉइंट के बाद आर एच एस चलेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड, ये कौन सा है, सेकेंड प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू या प्लेस नंबर आप कुछ ही बोल दो, नंबर बोलो, प्लेस नंबर, ठीक है। अब इसको हम लिख भी किस तरीके से सकते हैं कि अगर यही डिजिट है अपने पास इसी को, तो देखो डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा अपना, इसको इस तरीके से लिखें अपन, तो डेसिमल की जगह डेसिमल, थ्री कौन से पर आएगा, टेंथ, तो अगर हम थ्री की बात करते तो वो उसकी पोजिशन क्या है, टेंथ, और सिक्स की क्या है, थाउजेंड, तो थाउजेंड को अपन क्या लिखते हैं, 1/100, तो 1/100 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 6/100, ठीक है, तो 6/100 अपना क्या आ जाएगा, 100, तो 100 प्लेस वैल्यू हो जाएगी, जिस तरीके से अपन ने लिखा ना 600 लिखा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 6/100, तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो अगर अब हमें बात करनी है ज़ीरो की, तो इसी में हमें ज़ीरो देखना है, तो ज़ीरो किस नंबर पर है, देखो पॉइंट क्या, 1 2 3 3 नंबर पर है ना, तो थर्ड डेसिमल प्लेस हो जाएगी ये। थर्ड डेसिमल प्लेस को अपन कैसे लिख सकते हैं, कि देखो ये ज़ीरो है ना, और कितनी पोजीशन पर है, 1 2 3, तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, तो 0/1000। अब ज़ीरो में किसी भी का अगर हम डिवीज़न करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि देखो पॉइंट के बाद 1 2 3, थ्री पर कौन सा होता है, थाउजेंड्स बोलते हैं ना, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स बोलेंगे, तो ज़ीरो थाउजेंड्स इस तरीके से बोल सकते हैं अपन, क्या बोलेंगे, 0000 इस तरीके से बोल सकते हैं, या हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0/1000। अभी आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से लिखना है। अगर अब अपन सेवन की बात करते हैं, ठीक है, तो सेवन अब क्या है, इस पॉइंट के आगे की तरफ है ना, तो देखो इसको कैसे काउंट करते हैं, ये कितना होता है अपना, 1 10, और 10 के बाद कितना आता है, 1000, तो ये सेवन किस प्लेस पर है अपना, 1000 पर। तो अब इसको देखो किस तरीके से पढ़ेंगे, तो इधर देखिए कि ये हमको डिजिट दे दी, अब सेवन यहाँ पर आ रहा है, सेवन अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, इट्स प्लेस वैल्यू इज द सेम एज इन द होल नंबर, तो होल नंबर पर है, अब किस पोजीशन पर है, थर्ड पर है ना, तो प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इन 1752.3609 इज 700 पोजीशन पर आ जाएगी अपनी, क्यों, क्योंकि ये क्या है अपना, सेकेंड, देखो यहाँ से अपना कितना आ रहा है, इस पर आ रहा है ना, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 700। देखो जैसे इसमें ये दिख रहा है आपको, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 है ना, ये अपना कितना हो जाता है, 10, और ये अपना कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, तो 7 किस पर आ रहा है, 100 पर आ रहा है, इसलिए इसे अपन कैसे बोलेंगे, 700, ठीक है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 700 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे सबसे पहले अपने पास ड्रॉ अ लाइन मार्क होल नंबर, अब हम क्या करेंगे, लाइन मार्क बनाएंगे, और होल नंबर को तो अपन कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3, ये तो हमारे होल नंबर होते हैं, इनको तो हम नंबर लाइन पे आराम से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन अगर ये हमारे क्या आ जाए, डेसिमल फॉर्म में आ जाए, जैसे 2.4 है ऑन द नंबर लाइन, तो वी ऑब्जर्व डेट 2.4 इज मोर देन 2 एंड लेस देन 3, आपको पता है ना 2.4 क्या है, 2 से तो ज़्यादा है बट 3 से कम है, तो दैट मीन्स 2.4 किसके मिड में आ जाएगा, 2 और 3 के मिड में आ जाएगा, तो सबसे पहले तो अपन नंबर लाइन पे होल नंबर शो कर लेंगे, 0 1 2 3, ठीक है। अब हमें पता है 2.4 किसके मिड में आएगा, 2 और 3 के मिड में आएगा, क्योंकि 2 से तो थोड़ा ज़्यादा और 3 से थोड़ा ये अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसी के लिए फिर हम क्या करेंगे,
कि देखो अब हमने क्या करना है कि 2 से कितना जा रहा है, 0.4 जाता है, क्योंकि देखो 2.0.4 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना जाता है, 2.4 आ जाता है। तो दैट मीन्स ये 0.4 है ना, तो 4 कौन से पोजीशन पर है, 4th हो जाएगा ना। तो अब इसको अपन रिप्रेजेंट करने का मैं सिंपली तरीका बताती हूँ आपको। आप क्या करोगे कि देखो, सबसे पहले आप नंबर लाइन पे, जैसे 2.4 अपन को क्या करना है, 2.4 डेसिमल को हमको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना देंगे, स्केल से बनाओगे आप, ठीक है ना। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बन जाएगी। इसके बाद अपन को 2.4 चाहिए, तो 0.4 चाहिए ना, तो 2 से लेके 3 तक आपको क्या करना है, इसके मिड में 10 लाइन ड्रॉ करनी है इक्वल डिस्टेंस पर। तो कितनी जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 यहाँ पर आ गया ना, तो ढंग से करना, 3 अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये अपना कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 2 से लेके 3 तक आप स्केल से मेज़र करोगे तो अंदर की आपको कितनी 10 इक्वल लाइन दिख जाएंगी। अब अपन को क्या करना है, 2.4 चाहिए ना, तो 2.4 के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 फोर नंबर का जो ये पॉइंट होगा है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 2.4। तो बात समझ में आई आपको कि सबसे पहले 2 और 3 लिया, पहले एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है ना, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बना दी। उसके बाद हमें पता है 2.4 क्या है, ये 2 से तो ज़्यादा है 2.4, और कम किससे है, 3 से कम है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 के मिड में हम क्या करेंगे, 10 लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वल डिस्टेंस की। उसके 10 के बाद पॉइंट कितना है, पॉइंट के बाद 4 नंबर है ना, तो इसलिए 4 वाली लाइन अपनी क्या हो जाएगी, 2.4 अपना नंबर हो जाएगा। तो इसलिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे अपन, है ना, इसको अपन ऐसे बना देंगे, और ये वाला अपना क्या हो जाएगा, प्लॉटिंग 2.4 नंबर की हो जाएगी। तो हम नंबर लाइन पर इसको 2.4 को इस तरीके से शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी इसने ऐसे ही करा है, 0, 1, 2, 3 करा। अब 2 से लेके 3 तक कितने लाइन, बीच में कितनी लाइन बना दी इसने, 10 लाइन बना दी। अब 2.4 चाहिए था ना, तो 1, 2, 3 और 4 के ऊपर क्या आ जाएगा अपना, पॉइंट पी, पी पॉइंट यानी कि ये कितना है अपना, 2.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, कि डेसिमल को एक्सटेंड अपन फॉर्म कैसे होती है। तो देखो इसके लिए आप इस बॉक्स को देखो, इसमें देखो यहाँ डेसिमल नंबर है 5.01 है। तो अब हमें पता है कि पॉइंट के अगर हम क्या चलते हैं, इधर की तरफ RHS की तरफ चलते हैं, तो इसको एक्सटेंड अपन कैसे कर सकते हैं, पहले तो 5 है ना, तो 5 फिर प्लस, अब 0 है, 0 कौन सी पोजीशन पर होता है अपना, 10th पोजीशन पर होता है, तो 10th पर होता है तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, 0 को 0/10 लिख सकते हैं। तो देखो इसको लिखने का तरीका आपको बिल्कुल सिंपली, किस तरीके से लिखेंगे अपन, जैसे अपन ने क्या है 5.01 है डेसिमल प्लेस है, एक सो एक्सपेंडेड फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे, पहले 5 है तो 5, अब प्लस, अब 0 है ना, अब यहाँ से फर्स्ट अपना क्या होता है 10th, और फिर अपना क्या होता है 100, ये अपना क्या होता है 10th होता है ना, और ये अपना क्या होता है, ये अपना 100 होता है। तो 10th को अपन कैसे लिख सकते हैं, 0/10 प्लस 1 को अपन क्या लिखेंगे, 100 है ना, तो 1/100 इस तरीके से। तो इसको हमने एक्सटेंड करा, अब इसको या तो इस तरीके से लिख लो, अब इसमें 5.5+100 लिख रखा है ना, 1/100 यानी 100th, तो इसको अपन ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 5+0/10 है, तो 0/10 का मतलब ही क्या होता है, 0 होता है, तो 1/100 यानी किसी भी डिजिट 0 में किसी का भी आप डिवीज़न करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको इस तरह से लिखने से अच्छा है कि हम क्या लिखेंगे, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 5+100 भी लिख सकते हो। तो इसका एक्सटेंड इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसका सेकेंड वाला करते हैं अपन, 742.565। इसको अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये कितना होता है अपना, 1, 10, 100। सबसे पहले 10 से काउंट करते हैं तो कितना होता है अपना, 1, 10, 100। तो 100 पर है ना, तो 7 × 100 कर देंगे, प्लस 4 किस पर है, 10 पर है, तो 4 × 10 कर देंगे, प्लस 2 कितना है, 1, 0 यानी कि है अपना 1, तो 2 कितना है 1 पर, तो 2 से किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का। इसके बाद अब हमारे क्या आ गया, अब हमारे पॉइंट आ गया है, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद अब हमें क्या लिखना है, प्लस
देखो पॉइंट आ गया ना, तो अब इसको हम क्या लिखें, यहाँ पे पॉइंट मत लगा देना, ठीक है ना, ये तो प्लस प्लस में चलेगा। इसके बाद अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट के बाद फाइव, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं टेंथ, बोलते हैं फर्स्ट वाले को टेंथ, है ना, टेंथ यानी कि फाइव अपॉन टेन, प्लस सिक्स को अपन क्या बोलते हैं, हंड्रेड बोलते हैं, हंड्रेड बोलते हैं, अब हंड्रेड है तो सिक्स अपॉन हंड्रेड का डिवीज़न, प्लस उसके बाद फाइव अपना क्या है, थाउजेंड्स पर है, इसे अपन क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो थाउजेंड्स के लिए अब ये कितना आ जाएगा अपना कि फाइव अपॉन थाउजेंड, इस तरीके से। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आप इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और या फिर सेवन इंटू हंड्रेड, सेवन हंड्रेड प्लस फोर इंटू टेन फोर्टी, टू इंटू वन टू, प्लस फाइव अपॉन टेन, सिक्स अपॉन हंड्रेड, फाइव अपॉन थाउजेंड। तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। तो इस तरीके से अब ये वाला देखते हैं अपन, देखो ये कितना है अपना, 0.493। तो ज़ीरो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद फोर, अभी पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वाला नंबर होता है कितना होता है, टेंथ होता है, तो फोर अपॉन टेंथ करेंगे, नाइन हंड्रेड पर होता है तो प्लस नाइन अपॉन हंड्रेड, और थ्री कितने पर है, थाउजेंड पर, तो प्लस थ्री अपॉन थाउजेंड हो जाएगा। इस तरह से 25 है, 25, अब इसमें कोई पॉइंट नहीं दिख रहा ना, तो ये होल नंबर है, तो ये समझ लो कि 25, उसके बाद पॉइंट लग के ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर यहाँ से काउंट करेंगे, तो ये कितना है अपना वन, और ये वाला कितना होता है टेन, तो टू इन, अब टेन है ना, तो टू इंटू टेन यानी ट्वेंटी, प्लस फाइव इंटू वन, फाइव हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इफ़ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर इज गिवन, देन वी कैन राइट द डेसिमल नंबर। तो आप इसका लिख सकते हो, इसके डेसिमल नंबर भी लिख सकते हो। देखो जिस तरह से, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 5.1.100 है ना, तो ये कितने पर आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका भी आपको बता रखा है, तो आप इसे क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का अपन इंट्रोडक्शन यहीं पे ओवर करते हैं।